नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर हम आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं और ये प्रैक्टिस सेट है इस सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। और जिन लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट और नहीं देखे हैं वो लोग और भी हमारे देख सकते हैं इसकी लिंक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये प्रैक्टिस सेट इसके पहले प्रश्न से, जो कि है आपका तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और आप देख रहे हैं। और इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, आपका डी पार्ट तथा धन एव। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। विज्ञानिक, विज्ञानिक, विज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से क्या होगा, क्या शब्द बनेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर है आपका डी पार्ट वैज्ञानिक। अगला प्रश्न, जो कहा गया है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो कहा गया है उसके लिए क्या शब्द होता है, मतलब एक वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं खेचर, एकाक्ष, कृतार्थ या फिर कथित। तो जो कहा गया है उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है आपका कथित, लास्ट पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मतलब ये चार ऑप्शंस जो आपके सामने लिखे हैं इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शंस हैं हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया या फिर तिजोरी। तो जो शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है उसका उत्तर है हस्ताक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं, वो है कि किस शब्द की वर्तनी सही है, मतलब कौन सा शब्द जो है वो सही लिखा गया है। चार ऑप्शंस आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही लिखा गया है, मतलब सौंदर्य वर्धक का सही वर्तनी क्या है ये आपको बताना है। तो सौंदर्य वर्धक का जो सही और सही वर्तनी है वो है आपका ए पार्ट, सौंदर्य वर्धक। अगला प्रश्न है, मेंशन ए कॉमन सुटेबल प्रिफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स डीड, लेट, जज। मतलब आपको इन तीन शब्द जो लिखे हैं, तीन वर्ड लिखे हैं डीड, लैड और जज, इसमें ऐसा प्रिफिक्स लगाना है जो तीनों में फिक्स हो जाए और मीनिंग सेंस वर्ड निकले। तो ऑप्शंस हैं आपके मिस, अन, एक्स या फिर फोर। तो जो प्रिफिक्स इसमें आएगा, अगर आप एक्स बना दें तो एक्स डीड हो जाएगा, एक्स लीड हो जाएगा, कोई शब्द नहीं बनता है। अनडीड, अनलीड, अनजज कुछ नहीं होता। हाँ मिस बन सकता है, तो मिसडीड, मिसलीड और मिसजज। द राइट आंसर इज ए पार्ट। अगला प्रश्न, इज मास्टर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मतलब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, जो शब्द है मास्टर्स ये इसमें कैसे प्रयुक्त हुआ है, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है या फिर प्रेडिकेट है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है या फिर दोनों है या फिर कोई सा नहीं है। तो सही उत्तर क्या है इसका, ये जो प्रयुक्त हुआ है एज ए प्रेडिकेट यूज हुआ है। अगला प्रश्न, सिप्स सेल इन, सिप्स कहां पर सेल करते हैं, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, स्काई। देखिए सिप्स जो है वो स्काई में सेल नहीं करते, पॉन्ड्स में नहीं करते, रिवर्स और सीज हो सकता है, लेकिन सिप्स जो होते जहाज होते हैं और कहां पे सेल करते हैं, सीज में। राइट आंसर इज ए पार्ट। अगला प्रश्न, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपको यहां पे आर्टिकल भरना है, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज। कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, दी, ए, एन या फिर नो आर्टिकल। मतलब तीन जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों आर्टिकल में से आएगा या कोई भी नहीं आएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये सेंटेंस दोस्तों, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज। तो द वुमेन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये वुमेन नहीं होगा, एन वुमेन नहीं होगा, क्या होगा आंसर, यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा और ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू लाइक बेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको प्रॉपर जो एक सुटेबल कंजंक्शन यूज करना है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। सेंटेंस है, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स है, द चिल्ड्रन मेड ए नॉइज। ऑप्शंस हैं आपके कंजंक्शन के, देन, देन, व्हेन या फिर एज। तो कौन सा कंजंक्शन इसमें यूज होगा जिससे कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो सही उत्तर है आपका व्हेन।
हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड ए नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवोड़ा पद में कौन सी संधि है? नवोड़ा पद में कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, अयादि या फिर गुण। तो कौन सी संधि है नवोड़ा में? सही उत्तर क्या है? गुण संधि है। अगला प्रश्न है आपका कि नक छिन्ना में कौन सा समास है? नक छिन्ना में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विग या फिर द्वंद। तो नक छिन्ना में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है आपका क्या? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? गत्वा सद में पद में कौन सा प्रत्यय लगेगा? दो होते हैं, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। तो कौन सा प्रत्यय है जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं? तो कत्वा, कुत्वा, त्वा या फिर त्वाम। तो कौन सा प्रत्यय यूज किया जाएगा गत्वा पद में? सही उत्तर क्या है? बी पार्ट, कुत्वा। अगला प्रश्न, अपि अव्यय का क्या अर्थ है? अपि जो अव्यय है उसका एक और अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस हैं दिए गए हैं, ऑप्शंस हैं कि भी, तो, पर या है। तो अपि अव्यय का क्या अर्थ है? सही उत्तर है आपका भी। अपि माने भी होता है, दूसरा अर्थ जो है अपि का वो भी होता है। अगला प्रश्न, गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके गुरु, गुरो, गुरवे या फिर गुरभ्य। तो गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? सही उत्तर क्या है? गुरवे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जड़ता क्या है? जड़ता क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके कि वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन, प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति या फिर किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, या चौथा ऑप्शन है उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही शब्द अर्थ निकाल रहा है जड़ता का, या को बताना है? तो सही उत्तर है इसका आपका वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन, प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, ये कहते हैं जड़ता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? त्वचा शोथ, हैजा, पीलिया या फिर इंडिगो फेरा। तो इन चार ऑप्शंस में से, इन चार जो रोग दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो फफूंद से होता है? और इसका सही उत्तर है आपका त्वचा शोथ। अगला प्रश्न, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? आप लोग डॉक्टरों के पास गए होंगे, हॉस्पिटल्स में भी गए होंगे, तो वहां पे बीपी जो जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा कलाई पे बांध देते हैं, फिर उसमें गैस, उसमें हवा को, उसको पंप करते हैं, जो ब्लैडर होता है उसको पंप करते हैं, फिर उससे मीटर होता है वो दिखाता है आपका बीपी। तो किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, स्पाइग्नोमैनोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। थर्मामीटर से तो बुखार नापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो रक्तचाप किसके द्वारा नापे कहते हैं? सही उत्तर क्या है? स्फाइग्नो मैनोमीटर। अगला प्रश्न, नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? आपने देखा होगा महिलाएं या स्त्रियां जब नेल पॉलिश लगाती हैं और फिर उनको रिमूव करना होता है, तो एक स्पेशल टाइप का एक केमिकल आता है जिसको लगाने से नेल पॉलिश हट जाती है। तो उस नेल पॉलिश रिमूवर में इन चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक एलिमेंट होता है जो उसमें मौजूद होता है आपको बताना है? साइट्रिक एसिड, एसीटोन, एथिलीन या फिर बेंजीन। तो नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है, क्या कौन सा तत्व मौजूद होता है? सही उत्तर क्या है? एसीटोन, एसीटोन मौजूद होता है नेल पॉलिश रिमूवर में। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? इंसुलिन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या फिर वसा। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय जिस रूप में किया जाता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? एफेलियन, एंटीपोड, पेरिहेलियन या फिर एल्डियट। तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका सही उत्तर एफेलियन। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला का अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रश्न देखिए, इस चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी महिला जो है वो लोकसभा की प्रथम महिला थी। सुषमा स्वराज, मार्गरेट अल्वा, मीरा कुमार या फिर सरोजिनी नायडू। मतलब इन चार जो महिलाएं दी गई हैं, इन चार महिलाओं में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी लोकसभा की। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर है आपका मीरा कुमार। अगला प्रश्न, येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। येलो नदी निम्नलिखित में से किस देश से गुजरती है। ऑप्शंस हैं रूस, चीन, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो येलो नदी किस देश से गुजरती है, सही उत्तर क्या है इसका? चीन। एक येलो नदी का एक और दूसरा नाम है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही देश है जहां जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और वो सभी लोग ही उस देश से भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि हम सब उसी देश के निवासी हैं। तो सही उत्तर क्या है? भारत। अगला प्रश्न, एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शंस है मक्का की खेती के लिए, गेहूं की खेती, जौ की खेती या फिर चावल की खेती। तो एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है, सही उत्तर क्या है? चावल की खेती के लिए। अगला प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में किस में योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या फिर उपयुक्त सभी। तो अधिगम का शिक्षा में किस चीज में योगदान रहता है। चार ऑप्शंस हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और सही उत्तर का आपको चयन करना है, और सही उत्तर जो है वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन आप लोग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है। बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का बहुत ही सोच समझ कर जवाब दीजिएगा दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, और मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अन्वेषणकर्ता की, प्रशिक्षक की या फिर नियंत्रणकर्ता की। तो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, सही उत्तर है आपका सुगमकर्ता की। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं, एक, दो, तीन या फिर चार। तो कितने चर हैं शिक्षण के आधार पर इसके? तीन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। पहला, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। दूसरा है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता या फिर पढ़ाने की उत्सुकता, या फिर चौथा ऑप्शन धैर्य और लगन। तो कौन सा है एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण? तो इसका जो सही उत्तर है क्या है आपका? धैर्य और लगन। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है। वैयक्तिक, आनुभविक, आंतरिक या फिर बाह्य। तो किस रूप से अभिप्रेरित है एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाला जो विद्यार्थी है, वो किस रूप से अभिप्रेरित है, ये आपको बताना है, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आंतरिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं आपके, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए या फिर अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इन चार ऑप्शंस में से हमने प्रश्न पूछा था, और इसका सही उत्तर है आपका फर्स्ट पार्ट, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न,
पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस हैं आपके भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास। तो पियाजे जो है वो मुख्य रूप से जिस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं वो है आपका संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा अन्य चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें पाई जाने वाली भिन्नता क्या कहलाती है? शारीरिक विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता या फिर सांवेगिक स्थिरता। तो कौन सी भिन्नता कहलाती है? सही उत्तर है आपका इस प्रश्न का व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शंस हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर है, जो लोग जानते हैं सोच लिया होगा, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही उत्तर है व्यवहारात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल या फिर तिलक रत्ने दिलशान? सिक्स मशीन, बहुत जो लोग क्रिकेट के शौकीन होंगे और जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे वो लोग जानते होंगे कि सिक्स मशीन किसको कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जानते हैं इसका उत्तर, लेकिन जो लोग नहीं जानते हो, क्रिकेट में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, केवल कुछ मैच ही देखते हैं, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं, सिक्स मशीन जो कहा जाता है वो क्रिस गेल को कहा जाता है और ये उन्हीं की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? कौशल्या रेड्डी, मंजीत बाबा, राजा रवि वर्मा, पंडित जसराज। तो कौन एक प्रसिद्ध गायक है? इसका सही उत्तर है पंडित जसराज। अगला प्रश्न है आपका कि 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है? म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर मालदीव। तो ऐसा कौन सा देश है जो 31 मार्च 2017 को आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है? उसका उत्तर है आपका म्यांमार। अगला प्रश्न, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर गोल्फ। बहुत से लोग यूज करते होंगे, खेला भी होगा ये गेम, और गैम्बिट बहुत भलीभांत परिचित होंगे उस शब्द से, हालांकि हिंदी में उसे कुछ और ही कहा जाता है, लेकिन गैम्बिट जो शब्द है वो आपका जो संबंधित है वो है आपका शतरंज से। अगला प्रश्न, मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा। तो मुंडा कहाँ का लोक नृत्य है ये आपको बताना है। तो सही उत्तर कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क की फुल फॉर्म भी दोस्तों आप लोगों को पता होनी चाहिए, और इसमें इन चार जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा देश जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सार्क के सदस्य कौन कौन से हैं, तभी आप ये प्रश्न बता पाएंगे। नेपाल, मालदीव, चीन और अफगानिस्तान। तो नेपाल सार्क का सदस्य है, मालदीव भी है, अफगानिस्तान भी है, लेकिन चीन नहीं है। सही उत्तर क्या है? चीन। अगला प्रश्न, फुटबॉल की एक मैच के एक भाग की अवधि मिनट में कितनी होती है? एक भाग की पूछ रहा हूं दोस्तों, पूरा मैच नहीं पूछ रहा हूं, एक भाग की अवधि कितने मिनट की होती है ये आपको बताना है। 30, 35, 40 या फिर 45। फुटबॉल के शौकीन लोग जरूर जानते होंगे, ऊपर टाइम घड़ी चलती रहती है, उनको पता होगा, देखा होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं, फुटबॉल के जो एक भाग की जो अवधि होती है वो होती है 45 मिनट की। अगला प्रश्न, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस के लेखक कौन है? जिन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस के लेखक कौन है? किरण दोषी, सलमान रुश्दी, के विजय कुमार, यासीर उस्मान। बहुत ही फेमस बुक है ये, और इसको कोई एक अवार्ड भी मिला है, वो आप लोगों को बताना है कि इस बुक को कौन सा अवार्ड मिला था, वो जरूर कमेंट करके दोस्तों बताइए। और इसके जो लेखक है
वो है आपके किरण दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अभिनेत्री को 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? सुरभि लक्ष्मी, तापसी पन्नू, तृषा कृष्णन या फिर अनुष्का शेट्टी। ये जो अभिनेत्री है ये साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन मूवीज के लिए इनको मिला है, मलयालम शायद मूवी के लिए मिला है किसी मलयालम भाषा में। और ये जो पुरस्कार इनको मिला है वो अभिनेत्री का जो नाम है वो है सुरभि लक्ष्मी जी को मिला है। अगला प्रश्न, माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? कुमार संगकारा, केविन पीटरसन, बैंडन मैकुलम या फिर माइकल क्लार्क। तो माई स्टोरी किस क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? सही उत्तर क्या है इसका? डी पार्ट, माइकल क्लार्क। अगला प्रश्न है आपका, प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? सी, जावा, डॉट नेट या फिर फोर्ट्रॉन। तो प्रोग्रामिंग के लिए विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा जो है वो है फोर्ट्रॉन। डी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? चिप, सर्किट बोर्ड, ट्रांजिस्टर या फिर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो मदरबोर्ड लगा रहता है जिसमें कि सारे चिप इंस्टॉल्ड होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपलोड, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका क्या है? इंस्टॉलेशन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में घड़ी की गणना किस मात्रक में की जाती है? कंप्यूटर में जो घड़ी है उसकी जो स्पीड क्लॉक को किस गणना में नापा जाता है? सेकंड में, मिनट में, घंटे में या फिर गीगा हर्ज में। तो कंप्यूटर में घड़ी की जो गणना जिस मात्रक में नापी जाती है उसको कहा जाता है गीगा हर्ज। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य? मतलब आपको रैम की फुल फॉर्म बतानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है, बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर की नॉलेज का। तो रैम मतलब रैंडम आर्बिट्री मेमोरी या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रिसाइज एक्सेस मेमोरी या फिर रिसाइज आर्बिट्री मेमोरी। तो रैम का जो सही तात्पर्य है वो कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी पार्ट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? दुखद की भावना, ग्लानि की भावना, क्रोध की भावना या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दंड से किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है? सही उत्तर क्या है इसका? दुखद की भावना। अगला प्रश्न, प्रारंभ निर्देशन के कितने प्रकार हैं? एक, दो, तीन या फिर चार। तो निर्देशन के कितने प्रकार हैं? सही उत्तर है तीन। अगला प्रश्न, व्यवसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व कहाँ होता है? व्यवसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व कहाँ होता है? ऑप्शंस है, आचरण में, निर्णय में, व्यवहारिकता में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यवसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व जहां होता है कहाँ होता है? निर्णय में। अगला प्रश्न है आपका, परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चे की कमियों का कारण का पता करना, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना या फिर उपयुक्त सभी। तो परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? सही उत्तर है आपका उपयुक्त सभी। ये सभी जो लिखे गए हैं ऑप्शन, ये सभी उस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं परामर्श के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बनाया गया ये मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर आपको पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं शाम के 4 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।